नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 17 अक्टूबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। अब गंगा का पानी पी सकेंगे गया, नवादा और राजगीर के लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के अनुसार अब बिहार सरकार गंगा जल को पटना से नवादा, गया और राजगीर ले जाने की कोशिश में है। जल संसाधन विभाग राजगीर, नवादा और गया तक पाइपलाइन के माध्यम से पीने का पानी पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश के सामने अपनी प्रस्तुति देते हुए बताया है कि इस वाटर प्रोजेक्ट के तहत 190.90 किलोमीटर की दूरी पर सड़क के किनारे पाइपलाइन ले जाया जाएगा। जल जमाव के जिम्मेदार अधिकारियों पर 4 सदस्यीय कमेटी रखेगी नजर। पटना में जल जमाव की जांच के लिए गृह विभाग ने 4 सदस्यीय कमेटी इस मामले की जांच के लिए आवंटित किए हैं। निर्धारित कमेटी को एक महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी है। अरुण कुमार सिंह, अमृतलाल मीना, एस सिद्धार्थ और प्रत्यय अमृत को जांच कमेटी का सदस्य बनाया गया है। आपको बता दें, जांच कमेटी को पटना नगर क्षेत्र में भारी बारिश से हुए जलजमाव के कारणों का निर्धारण करना, बारिश से पहले नालों की सफाई, जल निकासी, पंपों की मरम्मत, इसके साथ ही भविष्य में जलजमाव की समस्या से निवारण आवश्यक योजना के संबंध में सुझाव और अनुशंसा करना है। स्टेशनों पर अब कचरे से बनाए जाएंगे खाद। रेलवे ने शुरू की एक नई पहल। कचरे से निजात पाने के लिए सहरसा के रेलवे स्टेशन पर कचरे से खाद तैयार करने वाली मशीन लगाई गई है। मशीन लगाने से पहले सहरसा में ऑटोमेटिक कंपोस्ट मशीन को लगाकर टेस्ट किया गया था। सहरसा के अलावा समस्तीपुर, दरभंगा और जयनगर में भी ऑटोमेटिक कंपोस्ट मशीन लगाया गया है। आपको बता दें, रेलवे इस मशीन के जरिए कचरा निस्तारण के साथ साथ तैयार खाद को बेचकर अपनी आमदनी बढ़ाएगा। ज्ञात हो, इस ऑटोमेटिक कंपोस्ट मशीन लगाने पर 20 लाख से अधिक राशि खर्च की गई है। मगध यूनिवर्सिटी पुस्तक मेला के माध्यम से खरीदेगा किताबें। मगध यूनिवर्सिटी में अब किताबों की खरीदारी पुस्तक मेला के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए मिड नवंबर में 3 दिनों के लिए पुस्तक मेला का आयोजन मगध यूनिवर्सिटी परिसर के परीक्षा भवन में किया जाएगा। रजिस्ट्रार डॉक्टर एनसीपी यादव ने बताया कि पुस्तक मेला में देश के प्रतिष्ठित प्रकाशकों को भी बुलाया जाएगा। आयोजित मेले में विभागाध्यक्ष, शिक्षक व छात्र अपने अनुसार सभी जरूरत की पुस्तकों का चयन करेंगे। लिस्ट तैयार कर खरीदारी की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। उपचुनाव को लेकर कार्यालय का शुभारंभ करने बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा खानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महागठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को जी तोड़ मेहनत करने की अपील की। जिले की विडंबना यही है कि राजनीतिक चेतना से जागृत होने के बावजूद यह वर्षों से बाहरी व्यक्ति के हाथों में रहा है। क्या हम स्थानीय या सक्षम प्रत्याशी देने में सक्षम नहीं है? मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के अलावा कई सांसद मौजूद रहे। स्पेशल ट्रेन गुजरी समस्तीपुर के रास्ते। माता वैष्णो देवी के लिए पहली बार परिचालित हुई स्पेशल ट्रेन सहरसा जंक्शन से खुलकर समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर के रास्ते परिचालित हुई। आस्था सर्किट स्पेशल टूरिस्ट नामक इस ट्रेन के परिचालन से श्रद्धालुओं में अलग ही उत्साह का माहौल दिखा। आपको बता दें, इस ट्रेन की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें यात्री को रियायती दर पर किराया सहित उनके रहने, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। ज्ञात हो, यह ट्रेन वैष्णो देवी के अलावा हरिद्वार एवं ऋषिकेश भी जाएगी। आगामी उपचुनाव का जिम्मा नीतीश कुमार के हाथ। बिहार में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी महकमे में काफी हलचल मची है। सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए जी जान से कोशिश कर रही है। इसी बीच एनडीए सरकार भी अपनी ओर से एक भी मौका छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसके लिए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए का मोर्चा उठा लिया है। नीतीश कुमार 17-18 अक्टूबर को अपने प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करने मैदान में उतरने वाले हैं। राजद के कई सांसदों ने चुनाव प्रचार प्रसार से किया किनारा। उपचुनाव आने को है, ऐसे में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने मैदान में उतर चुकी हैं। हर कोई अपने उम्मीदवार को जीत दिलवाने के लिए ताबड़तोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं राजद की बात करें तो पार्टी के कई वरिष्ठ नेता ने चुनाव प्रचार प्रसार से किनारा कर लिया है। तो वहीं राजद सुप्रीमो लालू यादव के समधी ने सदस्यता अभियान से अपने आप को दूर कर लिया है। साथ ही महेश्वर यादव और दरभंगा के केवटी से विधायक डॉक्टर फराज जो ने भी पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी है। बीपीएससी 65वीं पीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र देख छात्रों के उड़े होश। बिहार लोक सेवा आयोग की 65वीं प्रारंभिक परीक्षा में 35 जिलों के 718 केंद्रों पर अच्छे से संपन्न हो गई। अभ्यर्थियों के अनुसार इस बार प्रश्न का स्तर सामान्य रहा, लेकिन बिहार से संबंधित पूछे गए सवालों ने छात्रों को चौंका दिया। सवाल था कि होली में कहां पौधारोपण किया जाता है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन सबसे पहले आता है, जिसके ऑप्शंस थे यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा नियंत्रक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक था। इसके अलावा कृषि कुंभ मेला, विराट कोहली, चंद्रयान 2 से जुड़े प्रश्न भी पूछे गए थे।
अशोक चौधरी ने दी गिरिराज सिंह को नसीहत। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को नसीहत देते हुए कहा है कि गठबंधन विरुद्ध बातें ना करें और गठबंधन धर्म का पालन करें। एनडीए में कोई दरार नहीं है, हम एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में खड़े हैं। यह बातें अशोक चौधरी ने कचहरी चौक स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता के दौरान कही। इसके अलावा उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि आगामी उपचुनाव के रुझान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे की साख है दांव पर। 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जी जान से लगी हैं। ऐसे में जदयू का मानना है कि सरकार को वोट नीतीश कुमार के चेहरे पर मिलेगा, तो वहीं अन्य दलों का मानना है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार का चेहरा बतौर प्रतिनिधि पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है। वहीं जदयू और भाजपा यह दावा कर रही है कि इस बार सत्ता में डबल इंजन की सरकार ही आएगी। आरएलएसपी ने साधा नीतीश कुमार पर निशाना। पटना में हुए जलजमाव के कारण लगातार विपक्ष नीतीश कुमार पर टिप्पणी देता रहा है। वहीं एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सूबे की स्थिति को देखकर दामिनी फिल्म की एक डायलॉग याद आती है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री हर समस्या पर केवल कमेटी पर कमेटी, कमेटी पर कमेटी और कमेटी पर कमेटी ही बनाते हैं। बीपीएससी ने बिहार न्यायिक सेवा के लिए साक्षात्कार की तारीख की घोषणा की। बीपीएससी ने 30वीं बिहार न्यायिक सेवा के लिए साक्षात्कार की तारीख की घोषणा कर दी है। सिलेक्टेड अभ्यर्थी का 21 अक्टूबर से इंटरव्यू लिया जाएगा। साक्षात्कार से जुड़ी सभी जानकारियां बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी गई हैं। आपको बता दें 7 जून से 12 जून तक आयोजित हुई बीपीएससी की इस परीक्षा में 1080 छात्रों को सफल घोषित किया गया था। दिवाली से पहले राज्य कर्मियों को तोहफा देने जा रही है सरकार। दिवाली से पहले बिहार सरकार राज्य कर्मियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि दिवाली से पूर्व 25 अक्टूबर से राज्य कर्मियों को अक्टूबर माह का वेतन भुगतान शुरू करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें राज्य कर्मियों को प्रत्येक महीने की पहली तारीख से वेतन भुगतान किया जाता है, मगर इस साल दिवाली छठ के कारण त्यौहार से पहले ही उन्हें वेतन भुगतान करवाया जाएगा। पटना जू 3 दिनों तक रहेंगे बंद। मॉर्निंग वॉकर्स के लिए अहम सूचना। पटना जू सिर्फ मॉर्निंग वॉकर्स के लिए बंद किया जा रहा है। दरअसल वन रक्षी पद के लिए सिपाही भर्ती द्वारा आयोजित 3 दिवसीय शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा है, जो बुधवार से शुरू हो चुकी है। इस जांच परीक्षा में प्रतिभागियों को 4 घंटे में जू के झील का 25 चक्कर जबकि महिला प्रतिभागियों को 14 चक्कर लगाने होंगे। बाकी जू रोज की तरह आम जनता के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। बाढ़ प्रभावितों और किसानों को सरकार दे रही है सहायता, सुशील मोदी। भारी बारिश के कारण डूबे बिहार के क्षेत्रों से लगभग पानी की निकासी हो चुकी है, जिसके बाद सरकार अब बारिश में हुए बर्बादी का हर्जाना दे रही है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में 2400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसके तहत बाढ़ प्रभावितों को 6000 रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्रति परिवार 3000 रुपए की सहायता दी जा रही है। भागलपुर में विक्रमशिला के समानांतर सेतु के लिए 1726 करोड़ को मिली स्वीकृति। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भागलपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि भागलपुर में विक्रमशिला के समानांतर सेतु के लिए 1726 करोड़ रुपए को स्वीकृति दे दी गई है। इसके आगे उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना का जल्द ही टेंडर होगा और इसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। अब ट्रेनों में बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। रेलवे विभाग अब रेलवे की सुरक्षा पर खास ध्यान देने जा रहा है, जिसके तहत अब रेलवे सुरक्षा बल के जवान बॉडी कैमरे के साथ ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। बॉडी कैमरे से ही ट्रेनों और स्टेशन एरिया में यात्रियों पर निगरानी रखी जाएगी। आपको बता दें यह हाई डेफिनेशन कैमरा जवानों की वर्दी में बाईं तरफ पॉकेट के ऊपरी हिस्से पर लगा होगा। इस कैमरे में फोटो के साथ साथ ऑटो रिकॉर्डिंग करने की भी क्षमता है। इस कैमरे में GPRS प्रणाली होगी, जिसके माध्यम से यात्रियों की गतिविधियों को लाइव देखा जा सकेगा। भागलपुर के डॉक्टर प्रभात रंजन को मिला CSIR युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। भागलपुर के डॉक्टर प्रभात रंजन प्रेम को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह CSIR चेन्नई में सीनियर साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत है। आपको बता दें यह पुरस्कार उन्हें अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट पर प्रायोगिकी के लिए दिया गया है। ज्ञात हो कुल मिलाकर केवल 9 लोगों को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। घर बैठे बैठे करें डाकघर से जुड़े काम। भारतीय डाक विभाग अब मोबाइल बैंकिंग सेवा की शुरुआत करने जा रहा है। मोबाइल बैंकिंग की सेवा महज बचत खाते पर मिलेगी। विभाग ने इसकी जानकारी एक विज्ञापन के माध्यम से दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक बचत खातों और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के खातों को जोड़ने की अपील की है।
बिहार सरकार की गेस्ट हाउस अब निजी हाथों में, अब सरकारी व्यवस्था को निजी हाथों में देने की मुहिम शुरू हो गई है, जिसके बाद अब सर्किट हाउस में हॉस्पिटैलिटी सेवा का काम अब निजी फर्म के हाथों में सौंप दिया गया है। आपको बता दें, पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने जिला गेस्ट हाउस और वीआईपी गेस्ट हाउस में हॉस्पिटैलिटी सेवा के लिए टेंडर निकाला था। कीचड़ के कारण घाटों की सफाई में हो रही है परेशानी। हाल ही में हुए बारिश के कारण पानी का स्तर सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया था, जिसके कारण घाटों में कीचड़ और गंदे पानी का जमावड़ा जगह जगह देखने को मिल रहा है। कुछ ही दिनों में समूचे राज्य में छठ का त्योहार मनाया जाएगा, मगर कीचड़ होने के कारण घाटों की सफाई में काफी मुश्किलें आ रही है। छठ आने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ऐसे में कीचड़ को हटाने का कोई और रास्ता है या नहीं, इसकी समीक्षा अधिकारी जल्द से जल्द करेंगे। ज्ञात हो 19 अक्टूबर को अधिकारी घाटों का निरीक्षण करने आएंगे। अश्विनी चौबे पर हुई स्याही मामले को उपमुख्यमंत्री ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे पर स्याही फेंके जाने वाले मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि पीएमसीएच के दौरे पर गए अश्विनी चौबे पर स्याही फेंकना दुखद है। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक विरोध करना सबका अधिकार है। स्याही या पत्थर फेंकने जैसा वाक्य बेहद निराशाजनक है। ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहन नहीं मिलनी चाहिए। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल मार सकते हैं बिग बॉस 13 में एंट्री। बिग बॉस 13 में जल्द ही एक महीने में ही फिनाले का ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। शो के दूसरे हफ्ते में ही दलजीत कौर और कोयना मित्रा घर से बेघर हो चुके हैं। तीसरे हफ्ते में भी दो सदस्यों का एलिमिनेशन ही देखने को मिलेगा। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के अनुसार पहले फिनाले के बाद शो में एक और नए सदस्य की एंट्री होगी। इसके लिए भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल का नाम सामने आया है। आईसीसी द्वारा सुपर ओवर के नियमों में किए गए बदलाव पर बोले सचिन। आईसीसी ने इंग्लैंड और वेल्स में हुए विश्व कप फिनाले में सुपर ओवर के बाद नया नियम लागू करने का फैसला लिया, जिसके तहत अब सुपर ओवर टाई होने पर इसे लगातार उस वक्त तक कराया जाएगा जब तक कोई एक टीम विजेता नहीं करार कर दी जाती, जिस पर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने आईसीसी के इस नए फैसले का स्वागत किया है। आपको बता दें, सचिन ने आईसीसी विश्व कप फाइनल में सुपर ओवर के टाई होने के बाद सबसे पहले इस नियम को बदलने की बात कही थी। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।